यहाँ कोई कैसे किसी का इलाज कर सकता है और मैं कहां तक बेईमानी करूं? मेरे हाथ में भी क्या है, कुछ नहीं है मेरे हाथ में, कुछ नहीं। सर अब आपको ज्यादा तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी मदद के लिए शहर से आज से नए डॉक्टर आए, डॉक्टर सुबोध। अच्छा आप आ गए, मोस्ट वेलकम। मगर आप ऐसी जगह आए हैं जहां आप कुछ कर नहीं सकेंगे। ऐसी क्या बात है यहाँ डॉक्टर, मैं तो समझता हूँ यहाँ ज्यादा गरीब लोग हैं, हमें उनकी सेवा का ज्यादा मौका है। कैसी सेवा भाई, मुझे 20 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, मुझे लगातार ये एहसास होता रहा कि मैं मुफ्त की तनख्वाह लेता हूँ, काम दाम कुछ नहीं करता हूँ। अगर हम चाहें तो कुछ तो कर ही सकते हैं। इम्पॉसिबल, यहाँ कमेटी के सारे मेंबर अधकचरे तालीम याफ्ता लोग हैं, उन्होंने डॉक्टर को भगवान का दर्जा देकर उस पर सारा भार छोड़ रखा है। अब चाहे डॉक्टर अपने मरीजों को पिघला हुआ टीन का डिब्बा क्यों नहीं पिला दे। अगर ऐसा अस्पताल किसी बड़े शहर में होता तो बगावत हो गई होती। आपको इतना तो निराश नहीं होना चाहिए। अच्छा आप आइए मेरे साथ, आइए और खुद देखिए। आइए। गधे के बच्चे, हरामी, निकाल निकाल, क्या लाया लोगों से मांगकर, निकाल। बार बार बाहर निकल जाता है, अब तेरे पैरों में जंजीरें डालूंगा मैं। आज तो बच गया साले, तू कल देख लूंगा। डॉक्टर शर्मा की निराशा, खिन्नता और बेबसी का ये हाल है कि वो मजबूरी में इस वार्ड का चक्कर भर लगाते हैं। अपनी मजबूरी का कारण उन्होंने ढूंढ लिया है। इनमें से कोई मरीज कभी ठीक नहीं हो सकता, और अगर सबका अंजाम एक ही है तो फिर इनके मरने में रुकावट ही क्यों डाली जाए। किसी आदमी के थोड़े साल तक और जीने या न जीने से दुनिया का कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। डॉक्टरी का मतलब सब लोगों के नजदीक यही है कि बीमारों का दर्द खत्म हो, मगर दर्द को खत्म करने से क्या फायदा, उससे मौत को तो नहीं डाला जा सकता। बल्कि दर्द और तकलीफ के कारण लोग धर्म और मजहब की पनाह में जाते हैं, भगवान के अस्तित्व को मानते हैं, उन्हें वहां तसल्ली मिलती है, एक खुशी का एहसास होता है। डॉक्टर शर्मा अब इस हद तक सोचने लगे हैं कि जिनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, अगर उनकी जिंदगी में दुख, दर्द और तकलीफ नहीं होगी तो वो कैसे जिएंगे। मैं आ गया। आइए अमीन भाई, आइए। क्या हाल है दोस्त, तुम्हारे मुताला में खलल तो नहीं डाल दिया? अरे नहीं मियाँ, आपको मालूम है आपका आना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। मैं तो सोच ही रहा था आप आए तो जरा थोड़ी बियर पियेंगे। बाबू जी सर, एक गिलास और लाइए। अभी लाया सर। अमीन भाई सच कहता हूँ, आपके अलावा इस पूरे शहर में कोई नहीं है जो इंटेलेक्चुअल किस्म की बात कर सकता हो या जो उसे समझ भी सकता हो। ये तो तुम्हारी जरा नवाजी है। शुक्रिया। दिमाग आदमी को जानवर से अलग करता है। दिमाग की वजह से हम अध्यात्म और रूहानियत को पहचान पाते हैं और लोग उसी को नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल बजा फरमा रहे हो तुम। मैं सच बताऊं अमीन भाई, मैं क्या सोचता हूं? जरूर जरूर अजी, तुम्हारी इसी तरह की बातें सुनने तो मैं यहां आता हूं। हम सब लोग एक फंदे में फंसे हुए हैं, मिजरेबल ट्रैप। मुश्किल यह है कि हमें इस फंदे में फंसने का एहसास तब होता है जब इसमें से निकलने के तमाम रास्ते बंद हो चुके होते हैं। हम अपनी ख्वाहिश के बगैर इस दुनिया में आते हैं, अपनी ख्वाहिश के बगैर जो बनना है वो बनते हैं, लेकिन क्यों? हमारे पैदा होने और इस दुनिया में मौजूद होने का मकसद क्या है? इन सब सवालों के जवाब किसके पास हैं? हम कौन से दरवाजे पर जाकर दस्तक दें? हम दस्तक देते रहते हैं और तब तक मौत आ जाती है, वो हमें दबोच लेती है। सच कह रहे हो तुम, बिल्कुल सच। डॉक्टर
क्या तुम मानते हो कि रूह कभी नहीं मरती? नहीं अमीन भाई, मैं नहीं मानता। मुझे भी इस बात पर शक है, मगर फिर मेरा दिल कहता है कि नहीं, मैं कभी नहीं मरूंगा। मैं कई बार अपने आप से कहता हूं कि बुढ़े, तेरे मरने का वक्त आ गया है, मगर फिर से दिल कहता है कि नहीं, तू कभी नहीं मरेगा। हमारी किस्मत ने हमें कहां पैदा किया है, और मजबूरी देखिए, हमें मरना भी यही है। अच्छा मैं चलता हूं। डॉक्टर हो, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम चोर हो, चोर जल्लाद। मैंने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की। तुम शायद मुझसे नाराज हो। क्यों तुम मुझ पर इतने गुस्से क्यों हो? तुमने मुझे यहां कैद कर रखा है इसलिए। भाई तुम बीमार हो इसलिए तुम्हें यहां बंद कर रखा है? हां मैं बीमार हूं, मगर हजारों पागल आदमी आजादी से बाहर घूमते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। उन्हें अभी तक पहचाना नहीं गया। तुम्हें अक्ल नहीं है इसीलिए तुम उन्हें पहचान नहीं सकते, और तुम्हारे साथ इस अस्पताल में काम करने वाले तमाम दूसरे लोगों को भी अक्ल नहीं है, सब गिरे हुए बेईमान। तुम सब लोगों की जगह हमें यहां बंद किया गया, ऐसा क्यों? भाई इत्तेफाक की बात है, जो आदमी एक बार यहां आ गया वो यहां बंद है, जो नहीं आया वो आजादी से बाहर घूम रहा है। मैं एक डॉक्टर हूं और तुम एक दिमागी मरीज हो, नहीं ऐसा लोग कहते हैं, तो ये हालात ने हमको ऐसा बनाया। मेरे तुम्हारे बस की बात नहीं है। बेकार की बातें मत करो, मुझे रिहा कर दो। मैं तुम्हें रिहा नहीं कर सकता। क्यों भाई? मेरे हाथ में नहीं है। तुम राक्षस हो। अच्छा मान लो मैंने तुम्हें रिहा कर दिया, मान लो उससे क्या फायदा? बाद में पुलिस वाले और शहर के लोग तुम्हें वापस पकड़कर यहां ले आएंगे।
इससे तो बेहतर है कि जिस दुनिया में तुम्हें पागल समझा जाता है तुम यहां रहो। दोनों दुनिया में कोई फर्क नहीं है। नहीं, यहां रहना किसी के लिए भी बेहतर नहीं है। नरक से भी बदतर जगह है ये। दुनिया में इतने जेलखाने हैं, इतने पागलखाने हैं, तो कोई ना कोई तो उन्हें बसाएगा ही। तुम नहीं रहोगे तो मैं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा तो कोई दूसरा रहेगा। लेकिन वो वक्त भी आएगा जब ये बीमारी ही दुनिया से खत्म हो जाएगी। तुम इंतजार करो, वो वक्त दूर नहीं है। तब ना ऐसे जेलखाने होंगे, ना ये पागलखाने होंगे, ना ऐसी देखो बंद खिड़कियां होंगी, ना ये चौके होंगे। मैं जानता हूं तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मगर सोचो अगर सच में ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब दुनिया में ऐसे नरक नहीं होंगे। हाँ, लेकिन तब भी जिंदगी का सार नहीं बदलेगा। कुदरत के तौर तरीके वैसे ही होंगे। तब भी लोग बीमार होंगे, बूढ़े होंगे और फिर मर जाएंगे। आदमी मरकर भी नहीं मरता, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से तो बकवास है। तुम अमरता में विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं करता हूं। तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। अब जब तुम्हें अमरता में विश्वास है तो फिर तो तुम हर हाल में खुश रह सकते हो। नहीं, नहीं, ये गलत है। मैं ऐसे गंदे बेरहम और बेहुदा पागल खाने में कभी खुश नहीं रह सकता। मैं मानता हूं मुझे डरने की बीमारी है, लेकिन मैं पागल नहीं हूं। लेकिन मुझे लगता है मैं यहां रहकर एक दिन जरूर पागल हो जाऊंगा। क्या हुआ सदन? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम जाओ यहां से, यहां से जाओ, जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ। सदानंद की बातों से तो लगता है कि वो पागल नहीं है। फिर वो पागलखाने में क्यों है? ये नियति है या संयोग? क्या उसकी ये बात सही है कि मरकर भी आदमी नहीं मरता? आदमी का दिमाग उलझनों को हल करने की उसकी शक्ति, उसकी सोच, उसकी नजर, उसकी चेतना, क्या सबका अंत यही है कि एक दिन आदमी मिट्टी में मिल जाए? हाँ, यही है। अपने मन को बहलाने के लिए ये बात कर ली गई है कि जो कुछ उसका मिट्टी में मिलता है वो दूसरी शक्तियों का रूप लेकर जाहिर होता है। नहीं, ये सिर्फ कल्पना है। सदानंद धोखे में है। डॉक्टर साहब, किस सोच में डूबे हैं? आइए अमीन साहब, आइए। कैसे कैसे हो दोस्त? नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। मैं तुम्हें अब कोई बात नहीं बताऊंगा। मेरी बातें मेरे तक रहने दो बस। अजीब बात है, कल तो हम कितने अच्छी तरह से बात कर रहे थे और फिर तुम बीच में अचानक चुप हो गए, नाराज हो गए। शायद मैंने कोई गलत बात कह दी हो। भाई, मैं माफी चाहता हूं। तुम मुझे अपनी इन चिकनी चुपड़ी बातों से नहीं फांस सकते। जाओ, अपनी ये जिरह और जासूसी कहीं और जाके करो। भाई, मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करने लगा? तुम जासूस हो या डॉक्टर, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी जासूसी करके मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूं? दुनिया की और कौन सी जेल इससे बदतर होगी जिससे तुम डर रहे हो? मैं तो खाना खाने के बाद जरा टहलने के लिए निकला था और देखो मैं तुम्हारे पास आ गया। बाहर बहुत अच्छा मौसम है। सच? कौन सा महीना है? मार्च। मार्च? हाँ, ये महीना शहर के लिए बहुत अच्छा होता है। काश मैं भी बाहर घूम सकता और घूमने के बाद अपने कमरे की सुखद गर्मी में पड़ सकता। हाँ।
नहीं कर सकता, मैं इस जगह से तंग आ गया हूं, क्या करूं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम अपने आप को परेशान होने से बचाओ। ऐसे सोचो कि तुम्हारे पढ़ने वाले गर्म कमरे और इस वार्ड में कोई फर्क नहीं है। आदमी का सुख और सुकून उसके अंदर होता है, उसके बाहर नहीं होता। तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब आम आदमी अपने सुख को छोटी छोटी चीजों में ढूंढता है, जबकि विचार करने वाला आदमी उसे अपने अंदर पा लेता है। बाहर की सर्दी या गर्मी से आदमी मर रहा होगा तो उसे अपने भीतर झांकने का ख्याल ही कहां से आएगा? बेवकूफी की बातें मत करो और मुझे भी बेवकूफ मत समझो। दुखों से दुखी होता हूं मैं इस माहौल से तंग आ चुका हूं। लोगों की नीचता और कमीनेपन से मुझे परेशानी होती है। क्योंकि तुम बात की जड़ तक नहीं पहुंचे हो। अगर तुम बातों गहराई से सोचोगे तो तुम्हें मालूम चलेगा कि जिन बातों पर तुम्हें गुस्सा आता है, जिन बातों पर तुम तंग हो जाते हो, वो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जिंदगी की सही समझ एक वरदान है। तुम नहीं समझोगे। अगर इस जिस्म में जान है तो इसे दुख और दर्द जरूर महसूस होगा। अगर मुझे तकलीफ होगी तो मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, रोऊंगा। अगर किसी का कमीनापन देखूंगा तो मुझे जरूर गुस्सा चढ़ेगा। और मेरी अकल के मुताबिक यही ठीक है और यही जिंदगी है। बढ़िया जी बात है, तुम डॉक्टर होकर भी सच्चाई को नहीं जानते। अगर तुम हर हालत में सब्र करोगे और किसी भी बात पर हैरान नहीं होंगे तो तुम्हें और इसमें उसमें इसमें इसमें क्या 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 फर्क रह जाएगा है? शायद इसने इतने दुख सहे हैं कि अब इस पर किसी भी चीज का असर नहीं होता। लेकिन यह जिंदगी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे माफ कर दो, मैं अपने आप को अकलमंद नहीं मानता और ना ही कोई फिलासफर। बस नहीं नहीं, नहीं। तुम दलीलें बहुत होशियारी से दे रहे हो सदानंद। जिस धर्म में दुखों का इलाज नहीं, जो धर्म जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने का रास्ता नहीं बताता, उस धर्म को आम आदमी कभी नहीं अपना सकता। तकलीफों की परवाह ना करना जीने से आंखें चुराना है। अब तुम मुझे एक बात बताओ डॉक्टर, क्या तुमने कभी मुसीबतों का सामना किया है, दुख और दर्द सहा है? जब तुम छोटे थे तो क्या तुम्हें मार पड़ती थी? नहीं। लेकिन मैंने इतनी मार खाई है कि अभी याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। अब मैं तुम्हें खुशकिस्मत कहूं या बदकिस्मत कि तुमने आज तक किसी से मारी नहीं खाई, इसीलिए शायद संतुष्ट नजर आते हो। आराम से ऊंची पढ़ाई करके हराम की ऊंची नौकरी पर पहुंचे हो। काम में तुम्हारा जी लगता नहीं, 20 साल से मुफ्त के मकान में रहते हो, मुफ्त का खाते हो, स्वभाव से तुम कमजोर और आलसी हो। मुसीबतों से बचने के लिए ही तुमने इस तरह की जिंदगी अपनाई है। अपने इन बदमाश और निकम्मे माथहतों को तुम कभी कुछ नहीं कहते ताकि वो भी तुम्हारी तरफ से आंखें मूंद ले। नहीं, ये जिंदगी नहीं है और तुमने तो जिंदगी को जिया ही नहीं है। बस अपने आराम के लिए तुमने अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लिया। कोई किसी पर जुल्म कर रहा है तुम ये तो देख लेते हो, लेकिन हद तो यह है कि तुम्हारे हाथों जिन पर जुल्म हो रहा है तुम उनसे भी नजरें फेर लेते हो, सिर्फ यह सोचकर कि सबको एक दिन मरना है। बड़े आराम की सीधी सादी फिलॉसफी है ये। तुमने सोच लिया है कि तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम एक समझदार इंसान हो। नहीं श्रीमान, ये कोई फिलॉसफी नहीं है और ना ही ये सुलझे हुए विचार। ये काहली है, काहली अलस्य है, नींद है, तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर। अब अगर मैं तुम्हारी पीठ पर एक जोर से मुक्का मारूंगा तो तुम जरूर चीखोगे। बोलो, चीखोगे या नहीं? अभी मार कर दिखाओ। मुझे छोड़ दो प्लीज। अजय साहब, मैं भी उन्हीं के इंतजार में बैठा हूं। आप शायद नए डॉक्टर हैं? जी हाँ, मैं डॉक्टर शर्मा के नीचे काम करता हूं। अजय साहब, पता नहीं उस पागल ने हमारे डॉक्टर शर्मा पर क्या जादू कर दिया है कि हमारी तो शामें ही वीरान हो गई हैं। जाकर देखिए, वही होंगे वार्ड नंबर 6 में। उनसे कहिएगा कि उनके चाहने वाले और भी हैं। मैं जाकर देखता हूं।
तुम्हारा सोचना गलत है। मैं कभी तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हो सकता। तुम्हें तो असलियत का पता ही नहीं। तुम हमेशा सुख और सुविधाओं में पले हो और मैंने सिर्फ दुख और तकलीफें ही सही हैं। इसीलिए मैं अपने आप को तुमसे ज्यादा ऊंचा समझता हूं और तुमसे ज्यादा काबिल हूं मैं। तुम मुझे कुछ भी सिखाने की कोशिश मत करो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। तुम इतने समझदार हो इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मेरा दिल करता है मैं तुमसे बात करूं। हमारे ख्यालात नहीं मिलते कोई बात नहीं, लेकिन हम एक दूसरे को अपने ख्यालात तो बता सकते हैं। इस दिमाग को जंग लगने से तो बचा सकते हैं। तुम्हें शायद मालूम नहीं है मैं अपने चारों तरफ के इन बेवकूफ लोगों से कितना ऊब गया हूं। मैं थक गया हूं। इन सब लोगों में तुम एक समझदार आदमी हो। मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है। तुम नहीं मानते? ठीक, अच्छा मैं चलता हूं। चलो सो जाओ। आपने डॉक्टर शर्मा के बारे में सुना? मैं कल रात गया था वार्ड नंबर 6 की तरफ, तो मैंने देखा डॉक्टर शर्मा सदानंद से बातें कर रहा है। अच्छा, बड़ी हैरानी की बात है, क्या हो गया डॉक्टर को? मुझे तो लगता है बुढ़े का दिमाग फिर गया। भगवान हम पर दया करे। एक सच्ची बात कहूं, मैं बहुत पहले से जानता था इनमें कुछ गड़बड़ है। आइए आइए डॉक्टर शर्मा, आइए आपसे मिलिए। आप हैं डॉक्टर हाशमी, खास तौर से आपसे मिलने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा, हेलो। मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों ने मुझको यहाँ बुलाया। जरूर कोई खास बात होगी। डॉक्टर शर्मा, आप तो जानते हैं चारों तरफ तरक्की हो रही है, सोचा यह है कि अस्पताल के काम में भी कुछ तब्दीली की जाए। तब्दीली? यहाँ क्या तब्दीली लाई जा सकती है? डॉक्टर सुबोध का ख्याल है कि अस्पताल की बड़ी इमारत में से दवाई खाना अलग।